हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रहा है, लॉगिंग विद सिक्योरिटी की, यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन से इसमें ट्रिक लगाना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप लोग को भी आईडी ओपन हो सके। आईडी ओपन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है। अगर आपको फेसबुक से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस चैनल पर आपको फेसबुक से रिलेटेड मिलता रहेगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्प टू में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है और यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिक लगाना पड़ता है और कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, देखिए, अगर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल या कॉलेज वाला आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपको तीन तीन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब तीन डॉक्यूमेंट से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है, स्कूल वाला आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड से ओपन कर सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है तो आइडेंटिटी कार्ड से ओपन कर सकते हैं। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड से ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे अपलोड करना होता आधार कार्ड, वही आपको पता नहीं है। अब बात करते हैं इनमें इसमें से कौन कौन सा ट्रिक लगाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको फेसबुक अकाउंट में मोबाइल नंबर, जीमेल ऐड रहता है तो आप आसानी से कोड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है। अगर आपको ये सब ऐड नहीं है तो आधार कार्ड से ओपन कर सकते हैं। तो आधार कार्ड से ओपन करने के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, किस तरह से आधार कार्ड से ओपन करना होता है फुल डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं। अगर आप लोग को भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रहा है तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा वो आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए डाल के लॉगिन कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद सीधे लॉगिन हो जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विथ योर सिक्योरिटी की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपको प्रॉब्लम चल रहा है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा है यूज योर सिक्योरिटी की विथ फेसबुक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे तो कोड वाला ऑप्शन आ ही ना रहा है, तो यहाँ से आपको बैक होना है, एक बार बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नीड हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है गेट मोर हेल्प, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लेकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटर एन ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपलोड आईडी का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले फर्स्ट में आपको यहाँ पे जीमेल डाल लेनी है, तो चलिए जीमेल डाल लेते हैं। यहाँ पे जीमेल डाल दिए, जीमेल डालने के बाद सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करना है। नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। सबसे पहले आप लोग देखिए, जिस तरह से हाथ में लेकर ये बंदा आपको दिखा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, उसी तरह से आपको हाथ में लेकर
स्कैन कर लेनी है। तो स्कैन करने के लिए गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कैमरा लॉक कीजिएगा। कैमरा लॉक करने के बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड स्कैन कर लेनी है। आधार कार्ड स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको आईडी ओपन 24 घंटे के बाद हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ से आपको 24 घंटे तक वेट करनी है, आपको यहाँ से आईडी ओपन हो जाएगा। अगर आपको फेसबुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे हमारे से कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से मेरे पास कमेंट कीजिए चाहे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मान लीजिए आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, आपका भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया हूँ उस तरह से आप लोग रूल फॉलो कीजिए ताकि आपको भी आईडी ओपन हो सके। मैं आप लोग को बताया, अगर आपको मोबाइल नंबर जीमेल ऐड है तो मोबाइल नंबर पे और जीमेल पे ओटीपी आ जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर जीमेल ऐड नहीं है तो आप इसमें आधार कार्ड अपलोड करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे रहता है कि किसी किसी का होता है ओनली मोबाइल नंबर ऐड है, ओनली जीमेल ऐड है लेकिन मोबाइल नंबर ऐड नहीं है। किसी का होता है कि मोबाइल नंबर ऐड है लेकिन जीमेल ऐड नहीं है, मतलब दोनों में यहाँ पर फर्क होता है। मतलब कुछ भी ऐड नहीं है तो आप आधार कार्ड से ओपन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिलहाल आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।